खै त भन्न त तपाईँ खै भने $25,000 यो त पेसा त्यसै गर्छु मलाई यहाँ कतिको भन्दै एक दुई दिन पटेलकै बनै छ मोतीकै बनै छ अगरबाती जेनरली हाम्रो सबै थारूके घरमै प्रयोग होइ छ आओर एकर बड़का महत्व की छ थारूके जे बिहा होइ छ त हुनका ई अनिवार्य ओकरा दै लए पड़ै छ रंगाके एकर महत्व एकटा उ छ आओर चीज कुछ दस ने सजा दियो नै दियो एक दिन कुमार एकरा कहै छै जगवेदी 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 कहै छै एकरा कन्याक देवर बुझै छौ ले ले बोलते रहै छै हां बुझ ले बनन के वाला के भन्ने जाने ये हमरो जो बात छै उ तरवार छै उ मोड़ जी अनिवार्य होछ गेगा गेगा समझे गेगा डबा के होगा लघर पुरहर के छै पतली आ एकटा ये अथी छै ई पर बत्ती खो ये त ल फिर खा दे छै चम चमुखा छै खा युद्ध पर्व समाका हुन्छ नि
साल में एक छुट्टी बिहार में रामचंद्र वनवास से लौट के अल और संयोग से रोज लक्ष्मी पूजन राम जी विजय कलके लंका पर रावण पर विजय जी कलके उपलक्ष्य में हाँ लक्ष्मी पूजा कर के लिए राक्षस के भगावे को हो क्या के भगावे के लिए एक बार के उनका बात है और ना जो सब पे धानी घर ये धानी बैठल छे धानी बैठल छे हां ये पान प्रसाद चढ़ेने छे पेरवा चढ़ेने छे की करे छे धानी बैठल छे आरो कष्ट होय छे भूत लागे छे त भूत पर झारेले धानी राखने छे जो बिहार कन्या देवे चूड़ा भोरी के तटा घैला में कुकड़ी मुसरा इटा में चौर धान जे कुटे मन लग इटा फूलदानी छे इटा माटिए बनल छे इटा बरसी छे इटा इटा में आगिन पजार जखने पहला सल्ली नहीं सल्ले नहीं रहे तो बहुत बाजारी पुरिया सब चिलम दे ये सब कथि करे छे इटा इटा जो उठा मार उठा नहीं खड़खड़ी जेली जे जो कन्या तो लाई छिन तो इटा धूप लाजे होते जे छे स्वागत स्वागत तो ये तो जखने बियाह है छिन तो वह घना भूजे उ धान स कुन कुन भूजिन लवा हरदी सरदी कुन कुन भूजिन ओहिने चुलन तो उठा दही करै छि कि उठा कन्या के लेबे जे छिन ओहिने करै लागे तो इटा मर से नहीं घर की बोल चिन मैंने इन्हें सूता आन चिन की तो उटा सूता में पहले बड़ी रचिन तो उटा ठुकिया की तो उटा में बना चिन तो इटा भक्का आते ने क्या मर से पिठार रख द घरम कुटी के पानी में जाल में टोकी का लया जमिया सो इसे हाँ लया मेजबान सो विशेष कर यहाँ खाना हमारे यहाँ स्पेशल खाना खा रहे हैं स्पेशल मची पहला आवी का पहला हम इसे कहते हैं यक्षिणी नूर कन्यार के नेक दाग शिनू पहला ये तो शिनू के जो योर के तो पिहा है ची इटा से के हमारे से के तेरवा हाँ नेचरी हमारे से विशेष खाते के हाथ है के खाने के सी सोन लगा अपने सूत्री बांटे के यहाँ से बना ची इटा से की सिक्को कतो कन्या से नया लेवल सीटा में भाड़ा राखी दूसी लग ची ची इटा हेलो हलर इना इटा उटा सुते ओहरा सुते बुने वाला जो वो भैज छिन तो उटा हमर सिके थारू संस्कृति तट पत्रा छिके टाटिन झुंडा छै हमर सिके कुन दिन में कुन दिन येते कहि के कुन गते मिति निकलो है छै गते मिति देखे वाला हमर सिके अपने जाति के थारू के अपने तट पत्रा छिके इटा कैलेंडर जगरा कसे ने पारे यो यो भिता यो दीवाल भिते पात्र भिते पात्र हामी एलाई हाम्रो भाषामा तटपत्रा भिते पात्र हां टोली लिए संस्कृति झाकी में प्रथम झाकी पर्दै छ हामी यो यस्तो यस्तो देखाएर यस्तो र हामी यो एल्बम पनि निकालेको यही सत्ता भनेर हामी एल्बम निकालेको छ पहिले लगावे उजरा साड़ी पिन्हे टा पड़े छे पूर्व पदाकार से हम मार्किन साड़ी मात्र लगाबे परिवर्तन भाग रूप में
अनि नि अर्को यहाँ विशेषता एक दुईवटा चिज अझै छ हाम्रो यो जुन देख्नुहुन्छ यो यो चाहिँ हाम्रो थारूमा पहिले यदि यसो खोपाएको छैन भने त्यो थारू नै होइन खोपाउनै पर्थ्यो जतिसुकै जे भयो यो एउटा हाम्रो थारूको एकदम विशेषता मरेर पहिले के अवधारणा थियो मरेर जाँदा चाहिँ के लिएर जाने त चिन्न मरेर लिएर जाने चिन्न यो साथसाथी जाने भनेर त्यसैले यो कुरो पनि एउटा हाम्रो थारू समुदायमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले त अब छैन लोप हुँदैछ अब त कसैले को खोपाउने यो खास कारण के हो भनेदेखि धेरै अनुसन्धान गर्दै जाँदा यो हाम्रो पनि पकाउनु खोप्नु टोटल आमाहरूलाई यतिकै अहिले आयो त्यो अब हट्दै बिस्तारै अब खोपाउन खुवाउँ सानो यो अब म भनिदिउँ यसको नाम धिमिर भन्छ यसको भने यसैबाट माछा यसभित्र जानुपर्ने यताबाट पस्छ यता भित्र पसिसकेपछि त्यो माछा चाहिँ फर्किन नपस् भनेर यसलाई चाहिँ यसरी राख्नु यो अनि अब यो हाम्रो थारूहरूको यो चाहिँ के भन्छ है यसलाई चाहिँ अब जस्तो कुखुरा हाँस हुन त पहिले थारूहरूमा कुखुरा त थिएन अनि हाँसहरूको चल्लाहरू या ठुलै भए पनि अलि सुरक्षितको लागि कतै नजाओस् ढुने काम मतलब थुनेर राख्ने काम पनि यसरी नै जोड्छ यसरी राखेर त्यसमा माछा गएर पानी गइहाल्छ माछा फस्छ अनि यसरी यति यतिसम्म राखिदिनु सर यति यति यसरी भी सेपमा राख्छ यसो एङ्गल 30 डिग्री उसमा यसरी राख्छ अनि पानी चाहिँ यति यसरी जान्छ माछा तल्लासम्म जान्छ यो थोत्री यसमा पनि त्यही छ यसमा के भनेदेखि सानो सानो माछा त फर्किन सक्छ तर ठुलो ठुलो माछा यताबाट पस्छ अनि पानी यतै माछा यहाँ परसम्म जान्छ पसिसकेपछि माछा फर्किन सक्दैन यसैमा बसेर तर योभन्दा यो सेप हो यसमा जति भए पनि पस्छ यसमा माछा मार्दै हाल्दै मतलब बाहिर राख्नुभन्दा भित्र राख्ने यो हो यसमा धान चामल यता माथिबाट हाल्यो है यसको चाहिँ एउटा यताबाट अनि तलबाट बिस्तारै बिस्तारै जति आवश्यक हुन्छ त्यो खोल्नु पर्दैन अनि यहाँ किरा पनि लाग्दैन।